Hi friends, welcome to Sir Kendron LDC classes. In this class we are going to continue our section controller, station master and goods guard question bank. Okay, this is the 10th video of this series. Question number 451, dash signal shows miniature yellow light in off aspect. Your answer will be calling on. कॉलिंग ऑन जो सिग्नल होता है वह ऑफ एस्पेक्ट में जो है छोटे कलर का पीला रंग का जो है ना वो लाइट शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 452, साउंडिंग ऑफ टू हुटर मीन्स, योर आंसर विल बी एआरटी रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन। कहता है कि दो हुटर का जब साउंड बजता है इसका मतलब होता है कि एआरटी जो है उसको होम स्टेशन पे ही जो है ज़रूरत है। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआरटी, प्लीज़ गिव इन द कॉमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 453, साउंडिंग ऑफ थ्री हुटर मीन्स, योर आंसर विल बी एआरटी रिक्वायर्ड एट आउटर स्टेशन। कहता है कि जब तीन हुटर का जब साउंड बजता है इसका मतलब है कि एआरटी जो है वो दूसरे स्टेशनों पे ज़रूरत है उसका। क्वेश्चन नंबर 454, साउंडिंग ऑफ फोर हुटर मीन्स, आंसर विल बी एआरटी एंड एमआरबी रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन। कहता है कि जब चार हुटर का साउंड बजता है तो एआरटी और मेडिकल रिलीफ जो वैन होते हैं वो होम स्टेशन पे ज़रूरत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 455, साउंडिंग ऑफ फाइव हुटर मीन्स, आंसर विल बी एआरटी एंड एमआरबी रिक्वायर्ड एट आउटर स्टेशन। जब पाँच हुटर का साउंड बजता है इसका मतलब है कि एआरटी और एमआरबी मेडिकल रिलीफ जो वैन होते हैं उसको आउट दूसरे स्टेशन पर जो है बाहरी स्टेशनों पर जो है ज़रूरत है, इसका यह इंडिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 456, विच वन इज परमिसिव सिग्नल, आंसर विल बी डिस्टेंट सिग्नल। डिस्टेंट सिग्नल को जो है परमिसिव सिग्नल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 457, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल आइडेंटिफाइड बाई, आंसर विल बी ए मार्कर लाइट। सेमी ऑटोमेटिक जो सिग्नल होते हैं उसको ए मार्कर लाइट द्वारा जो है पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 458, ऑटोमेटिक सिग्नल आइडेंटिफाइड बाय, आंसर विल बी ए मार्कर प्लेट। ऑटोमेटिक सिग्नल जो होते हैं वह ए मार्कर प्लेट द्वारा पहचाने जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेमी ऑटोमेटिक अगर सिग्नल है तो वह ए मार्कर लाइट द्वारा पहचाना जाएगा, अगर ऑटोमेटिक सिग्नल है तो वह ए मार्कर प्लेट द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 459, IBSS आइडेंटिफाइड बाय, आंसर विल बी IB मार्कर प्लेट। कहता है IBSS जो होते हैं उसको IB मार्कर प्लेट द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 460, रिपीटिंग सिग्नल इन कलर लाइट टेरिटरी इज आइडेंटिफाइड बाय, आंसर विल बी R मार्कर लाइट। कहता है रिपीटिंग जो सिग्नल होते हैं अगर लाइट के सेंस में देखा जाए तो उसको R मार्कर लाइट द्वारा जो है पहचाना जाता है। रिपीटिंग जो सिग्नल होते हैं उसको आर मार्कर से पहचान में आया जाता है। क्वेश्चन नंबर 461, डिस्टेंट कम गेट स्टॉप सिग्नल आइडेंटिफाइड बाय, जी मार्कर प्लेट। कहता है कि डिस्टेंट कम गेट स्टॉप सिग्नल हो, मतलब ऐसा गेट स्टॉप सिग्नल जो डिस्टेंस का भी काम करता हो, डिस्टेंट का भी काम करता हो, उसको जी मार्कर प्लेट द्वारा पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 462, सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल आइडेंटिफाइड बाय, आंसर विल बी ए मार्कर लाइट एंड जी मार्कर प्लेट। अगर कोई सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो वह जो होता है ए मार्कर लाइट और जी मार्कर प्लेट होता है, मतलब जी मार्कर प्लेट पे जो है ए मार्कर लाइट होता है, यह सेमी ऑटोमेटिक गेट स्टॉप सिग्नल को बताता है। क्वेश्चन नंबर 463, WTT नॉर्मली विल बी रिलीज्ड ऑन एवरी ईयर July 1st। WTT जो होते हैं वर्किंग जो टाइम टेबल होते हैं वह प्रत्येक साल 1 जुलाई को जारी किया जाता है, रिलीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन 464, PSR एंड MPS अवेलेबल इन, आंसर विल बी WTT। PSR और MPS जो होते हैं वह WTT में होते हैं, वर्किंग टाइम टेबल में होते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSR एंड MPS, प्लीज गिव इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन 465, LC गेट डिटेल्स अवेलेबल इन, आंसर विल बी WTT। LC जो गेट होते हैं उसके पूरा का पूरा जो डिटेल्स होता है वो WTT में होता है, मतलब वर्किंग टाइम टेबल में होता है। क्वेश्चन नंबर 466, WTT साइंड बाई, आंसर विल बी PCOM, CPTM एंड DRM। वर्किंग टाइम टेबल जो होते हैं वह PCOM, CPTM और DRM द्वारा साइन किए होते हैं, मतलब इन तीनों का साइन उस पर होता है।
Question 467, notified stations available in, answer will be WTT. Notified जो भी stations होते हैं उसका पूरा का पूरा जो जानकारी होता है वो working time table में WTT में दिया जाता है, रहता है. Question 468, on detecting hammering sound because of flat tire, speed should not exceed dash kmph up to next station. Answer will be 40 kmph. कहता है कि जब किसी ट्रेन में अगर हैमरिंग साउंड आता हो फ्लैट टायर के चलते, तो उसके उसको जो है ना अगले स्टेशन तक जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ज़्यादा से नहीं लेके जाना है. मतलब मैक्सिमम जो स्पीड अगर मेंटेन करना है इस कंडीशन में तो 40 किलोमीटर तक ही रहेगा, उससे अधिक स्पीड से लेके नहीं जाना है. कहाँ तक? अगले स्टेशन तक, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 469, कॉजेज ऑफ फ्लैट टायर. ऑप्शन ए ब्रेक बाइंडिंग, ऑप्शन बी पुअर ड्राइविंग स्किल, ऑप्शन सी लो एडहेसिव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव. फ्लैट टायर का जो कारण है वह ब्रेक बाइंडिंग भी है, पुअर ड्राइविंग स्किल है, लो एडहेसिव, ये तीनों के कारण है फ्लैट टायर का, इसलिए आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 470, डैश सिग्नल हैज नो रेड सिग्नल. ऑप्शन ए LSS, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी परमिसिव एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. आंसर विल बी ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. देखिए डिस्टेंट सिग्नल जो होते हैं और परमिसिव जो सिग्नल होते हैं उसमें कोई रेड सिग्नल जो है नहीं होता है. डिस्टेंट सिग्नल में, परमिसिव सिग्नल में रेड सिग्नल नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन 471, डैश सिग्नल हैज़ नो ग्रीन सिग्नल. आंसर विल बी लूप लाइन स्टार्टर. लूप लाइन जो स्टार्टर होते हैं उसमें ग्रीन सिग्नल नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 472, डैश सिग्नल हैज नो येलो सिग्नल. आंसर विल बी एडवांस स्टार्टर और LSS. एडवांस जो स्टार्टर होते हैं या LSS जो होते हैं उसमें येलो सिग्नल नहीं होता है, पीला सिग्नल नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 473, डैश बोर्ड अवेलेबल बिफोर नॉन इंटरलॉक्ड गेट एंड कर्व इंटरलॉक्ड गेट. आंसर विल बी विसिल. विसिल जो बोर्ड होते हैं वो जितने भी नॉन इंटरलॉक जो गेट होते हैं या कर्व इंटरलॉक जो गेट होते हैं उसके पहले विसिल बोर्ड लगाया जाता है. कहने का मतलब है कि जब भी वहाँ से ट्रेन गुजरेगा तो आपको सीटी बजाना पड़ेगा और उसका भी अपना कोड होता है. क्वेश्चन नंबर 474, री स्टार्टिंग मेमो शुड बी गिवन फॉर. आंसर विल बी सिग्नल फ्लू बैक. सिग्नल जब फ्लू बैक करते हैं, सिग्नल जो फीडबैक अगर कोई कर देता है उसे उस कंडीशन में जो है री स्टार्टिंग मेमो दिया जाता है. क्वेश्चन 475, इफ डिस्टेंट सिग्नल शोज ग्रीन लाइट देन होम सिग्नल शोज डैश सिग्नल. आंसर विल बी ग्रीन. अगर किसी सेक्शन का अगर डिस्टेंट सिग्नल अगर ग्रीन शो कर रहा है इसका मतलब है कि उस सेक्शन का होम सिग्नल भी जो होगा, उस स्टेशन का जो होम सिग्नल होगा वो भी ग्रीन शो करेगा, ठीक है ना. क्वेश्चन 476, इफ डिस्टेंट सिग्नल शोज डबल येल्लो लाइट देन होम सिग्नल शोज डैश सिग्नल. आंसर विल बी सिंगल येल्लो. अगर किसी का डिस्टेंट सिग्नल दो येल्लो शो कर रहा है इसका मतलब होम सिग्नल एक येल्लो शो करेगा. क्वेश्चन नंबर 477, इफ डिस्टेंट सिग्नल शोज सिंगल येल्लो लाइट देन होम सिग्नल शोज डैश सिग्नल. आंसर विल बी रेड. अगर डिस्टेंट सिग्नल एक येल्लो शो कर रहा है तो होम सिग्नल जो है रेड शो करेगा, ठीक है. क्वेश्चन 478, ड्यूरिंग एक्सीडेंट द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट द ब्रेक डाउन स्पेशल ड्यूरिंग 6 to 18 hours इज. आंसर विल बी 30 minutes. कहता है कि अगर दिन के समय सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 18 hours तक, शाम के 6 बजे तक अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में जो है ना जो टाइमिंग है टारगेट टाइमिंग जो लिया जाता है वो 30 minutes का है, ठीक है. क्वेश्चन 479, ड्यूरिंग एक्सीडेंट द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट द ब्रेक डाउन स्पेशल ड्यूरिंग 18 hours to 6 hours इज. आंसर विल बी 45 minutes. अगर शाम के 18 hours से सुबह के 6 hours तक, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो टर्निंग आउट द ब्रेक डाउन स्पेशल जो टाइमिंग होता है वो 45 minutes का है. क्वेश्चन 480, ड्यूरिंग एक्सीडेंट द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट द MRV फ्रॉम सिंगल एग्जिट साइडिंग इज. आंसर विल बी 25 minutes. अगर कहता है अगर किसी एक्सीडेंट के समय MRV जो होते हैं, मेडिकल रिलीफ जो वैन होते हैं, अगर वो सिंगल एग्जिट साइडिंग से अगर निकलते हैं तो उनको 25 मिनट का समय लिया जाएगा या फिक्स किया गया है, ठीक है ना.
Question 481. During accident, the target time for turning out the MRV from double exciting is 20 minutes. कहता है कि किसी एक्सीडेंट के समय में मेडिकल जो रिलीफ वैन होते हैं, अगर उसमें डबल एग्जिट साइडिंग गेट लगा हो, उस स्थिति में उनके लिए 20 मिनट का समय फिक्स किया गया है। सिंगल एग्जिट साइडिंग गेट होगा तो 25 मिनट का है, 25 मिनट्स है। अगर डबल साइडिंग एग्जिट गेट है तो उसमें जो है 20 मिनट्स है। किसके लिए? मेडिकल रिलीफ वैन के लिए। क्वेश्चन 482. गार्ड एंड एलपी मीन्स लोको पायलट shall have with him while on duty with his train dash pairs of spectacles as he required to wear under medical advice. Answer will be 2. कहता है कि गार्ड और लोको पायलट को अगर मेडिकल एडवाइस के द्वारा अगर चश्मा रखने को कहा जाता है तो उनको दो पेयर चश्मा रखना ही रखना है जब वो ड्यूटी पर रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 483. एवरी डैश मीटर्स है सिग्नल इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। आंसर विल बी किलो। प्रत्येक किलोमीटर पे जो है ना ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में जो है सिग्नल दिए गए हैं। क्वेश्चन 484. किंग नोब प्रोवाइडेड इन आंसर विल बी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। किंग नोब जो होता है वह ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में होता है। क्वेश्चन 485. कलर ऑफ किंग नोब इज आंसर विल बी वाइट। किंग नोब का जो रंग होता है वो उजला होता है। क्वेश्चन 486. किंग नोब नॉर्मल पोजीशन मींस सिग्नल वर्क्स एज मैनुअल। कहता है किंग नोब अगर नॉर्मल पोजीशन में है, इसका मतलब है कि सिग्नल जो है मैनुअल कंडीशन में काम कर रहा है। क्वेश्चन 487. किंग नोब रिवर्स्ड मींस सिग्नल वर्क्स एज ऑटोमेटिक। अगर किंग नोब रिवर्स कंडीशन में है, इसका मतलब है कि सिग्नल जो है ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहा है। क्वेश्चन 488. डिविजनल इंटरचेंज पॉइंट इन आवर डिवीजन इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर विल बी बिलुपुरम। डिविजनल इंटरचेंज पॉइंट जो हमारे डिवीजन का है, चेन्नई डिवीजन का है, वह बिलुपुरम है। बिलुपुरम के बाद जो है त्रिची डिवीजन चालू हो जाता है। तो डिविजनल इंटरचेंज पॉइंट का मतलब होता है कि वैसा पॉइंट या वैसा स्टेशन या वैसा जंक्शन जहां से वह डिवीजन खत्म होकर दूसरा डिवीजन चालू हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है बिलुपुरम तक हमारा चेन्नई डिवीजन, उसके बाद से त्रिची डिवीजन चालू हो जा रहा है। इसीलिए जो है बिलुपुरम जो है VM उसका कोड है। VM जो है हमारा डिविजनल इंटरचेंज पॉइंट है। क्वेश्चन 489. जोनल इंटरचेंज पॉइंट इन साउथर्न रेलवे इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर विल बी GDR. GDR जो है गुडूर का कोड है। देखिए डिविजनल जोनल इंटरचेंज पॉइंट का मतलब होता है कि वैसा स्टेशन या वैसा जंक्शन या वैसा पॉइंट जहां से हमारा जोन खत्म होकर दूसरा जोन चालू हो रहा हो, शुरू हो रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है GDR जो है गुडूर का कोड है, जहाँ पे चेन्नई साउथर्न जो रेलवे है वहाँ से खत्म होता है गुडूर जंक्शन पे, गुडूर स्टेशन पे, वहाँ से SCR जो है चालू होता है। ठीक है ना। इसलिए हमारे यह जोनल इंटरचेंज पॉइंट है। क्वेश्चन 490. विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन इज नॉट ए डिविजनल इंटरचेंज पॉइंट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर विल बी चेंगलपट्टू। देखिए रेणुगुंटा, गुडूर और JTJ जो है यहाँ से हमारा जोन खत्म होता है, दूसरा जोन चालू होता है, लेकिन चेंगलपट क्या है, एक स्टेशन है चेन्नई डिवीजन का। ठीक है ना। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपका आंसर चेंगलपट्टू हो जाएगा। क्वेश्चन 491. विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन इज नॉट ए जोनल इंटरचेंज पॉइंट। देखिए जोनल इंटरचेंज पॉइंट हम आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जोन खत्म होकर दूसरा जोन शुरू होता है। तो रेणुगुंटा है, गुडूर है, JTJ है, ये हमारा जोन वहाँ पे खत्म होता है। ठीक है ना। और बिलुपुरम क्या है, यहाँ पे डिवीजन खत्म हो रहा है, डिवीजन हमारा इंटरचेंज होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो होगा बिलुपुरम हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 492. टेल बोर्ड और टेल लैम्प यूज टू इंडिकेट ए स्टाफ डैट ए ट्रेन इज कम्प्लीट। देखिए हर प्रत्येक ट्रेन में जो है लास्ट में देखिएगा टेल लैम्प या टेल बोर्ड लगा रहता है। यह टेल लैम्प और टेल बोर्ड बताता है कि ट्रेन जो है कम्प्लीट है, ट्रेन में कोई पार्टीशन नहीं हुआ, ट्रेन का कहीं तोड़फोड़ नहीं हुआ, ट्रेन पूरे के पूरे रैक में फॉर्मेशन में चल रहा है। क्वेश्चन 493. एस्पेक्ट ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल एट ऑन इज आंसर विल बी नो लाइट। कॉलिंग ऑन जो सिग्नल होते हैं ऑन कंडीशन में उसमें कोई लाइट शो नहीं होता है। क्वेश्चन 494. सेमाफोर रिपीटिंग सिग्नल शैल बी प्रोवाइडेड विद एन आंसर विल बी आर मार्कर प्लेट। सेमाफोर जो होता है, सेमाफोर सिग्नलिंग है, उसमें रिपीटिंग सिग्नल का जो कोड है वो आर मार्कर प्लेट है। क्वेश्चन 495. लिक्विफाइड गैस कैरिंग वैगन्स रिक्वायर्ड डैश यूनिट सपोर्ट फ्रॉम इंजन वेरकबान एंड पैसेंजर कैरिंग व्हीकल आंसर विल बी 2.
देखिए लिक्विफाइड जो गैस कैरी करने वाले जो वैगन्स होते हैं उनको दो यूनिट सपोर्ट चाहिए, कहाँ से? फ्रॉम इंजन, इंजन से, ब्रेक वन से, या पैसेंजर कैरिंग व्हीकल से, ठीक है। क्वेश्चन 496, ऑल पॉइंट सेल नॉर्मली बी सेट फॉर द आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन। जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब के सब जो है स्ट्रेट लाइन में सेट रहते हैं। क्वेश्चन 497, डिस्टेंट ऑफ विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्टिव, आंसर विल बी 180 मीटर्स। डिस्टेंस विजिबिलिटी टेस्ट का जो डिस्टेंस होता है वह 180 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 498, इन नो केसेस ट्रेन शैल लीव द स्टेशन बिफोर द टाइम शोन इन, आंसर विल बी PTT। पब्लिक जो टाइम टेबल होता है उसमें दिए गए टाइम से पहले कोई भी ट्रेन जो है उस स्टेशन से छूट नहीं सकता है। कहने का मतलब है किसी ट्रेन का अगर टाइमिंग किसी स्टेशन से 10 बजे है अगर, तो वो गाड़ी 10 बजे ही खुलेगा, उससे पहले वो नहीं खुल सकता, ठीक है ना। क्वेश्चन 499, ऑन बोर्ड गेज इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन द फर्स्ट डिटोनेटर विल बी प्लेस्ड एट डैश मीटर एंड सेकेंड एट डैश मीटर फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन, आंसर विल बी 600 एंड 1200। देखिए ऑन बोर्ड जो गेज है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पहला डिटोनेटर 600 मीटर पर लगाया जाता है, दूसरा डिटोनेटर 1200 मीटर पर लगाया जाता है। कहाँ से? जहाँ से वो ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ से वो प्रॉब्लम है, जहाँ से वो डैमेज है वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 500, द स्पीड ऑफ द ट्रेन ओवर नॉन इंटरलॉक्ड फेसिंग पॉइंट शैल बी 30 km/h। ये नॉन इंटरलॉकिंग जो फेसिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे जो स्पीड होगा ट्रेन का वो 30 km/h होगा, ठीक है ना। इन द हेयर फ्रेंड्स वी विल सी 50 questions विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।